नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज मैं आप सबके समक्ष हमारा भूमंडल कक्षा 7 भूगोल का पाठ 7 समुद्र की गतियां के प्रश्न उत्तरी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो हम देखते हैं, सर्वप्रथम प्रश्न हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी छोटे ही बताने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। तरंगे कैसे बनती हैं? तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल की ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। जल की सतह से टकराकर पवने उसे विभिन्न स्थान से उठा लेती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होती हैं। इन्हें तरंग कहा जाता है। ज्वारभाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरी जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को ज्वारभाटा कहते हैं। इसको ज्वार कहते हैं और ये भाटा है। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रश्न है, महासागरी जल की गतियों के नाम लिखिए। तो महासागरी की जो गतियां इस प्रकार से हैं, लहरें, ज्वार भाटा, धाराएं और सुनामी। प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। ये प्रश्न छोटा भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यूराल की धारा, क्यूरोसियो की धार, पीरू की धार, उत्तर विषुवतीय रेखा की धारा, दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा। अब प्रश्न है, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख जल धाराओं के नाम लिखिए। पहले था प्रशांत महासागर की, अब पूछ रहा है अटलांटिक। लेबोडोर धारा, कतारी की धारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील की धारा, उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा। सुनामी क्या है तथा यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महासागरी जल की एक अन्य गति सुनामी है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होते बंदरगाही लहरें। समुद्र की लहरें में भूकंप आने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। जबकि जल की सतह से टकराकर पवने उसे विभिन्न स्थानों से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। इन्हें तरंगें कहते हैं। प्रश्न हमारा था, सुनामी क्या है तथा तरंग से किस प्रकार भिन्न है? अब है प्रश्न इसका दूसरा, अंतर स्पष्ट कीजिए। तरंग में और ज्वारभाटा में अंतर स्पष्ट करना है। समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं। तरंगों का उठना पवनों पर निर्भर करता है। ज्वारभाटा क्या होता है? समुद्र के ऊपर उठते जल को ज्वार तथा गिरते जल को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों पर निर्भर होता है, जैसा कि हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं। अब गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। ये जलधाराएं भूमध्य रेखा से, यानी गर्म क्षेत्र से ध्रुवों पर, यानी ठंडे क्षेत्र की ओर बहती हैं। जो गर्म जलधारा हैं वो गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर बहती हैं। उनका जल गर्म होता है, अतः इन्हें गर्म जलधारा कहते हैं। और ठंडी जलधारा क्या होती हैं? ऐसी जलधाराएं जो ध्रुव ठंडे क्षेत्रों से भूमध्य रेखा यानी गर्म क्षेत्रों की ओर बहती हैं, इनके जल का तापमान कम होता है, इसलिए इन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से अंतर स्पष्ट हो रहा है इसमें। धारा और प्रवाह। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को धारा कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी और तेज गति वाली होती हैं। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो जब हम पाठ को पढ़ते हैं अच्छे से, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें उसमें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रवाह क्या होता है? कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह का रूप ले लेता है। इनकी गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इसमें क्या था, 2 से 10 हो है, और इसमें क्या है, 1 से लेकर 3 किलोमीटर। कारण बताइए। समुद्र का जल खारा होता है, क्यों? तो महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। अब इसके बाद है, पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है। कारण है इसका है, पूर्णमासी और अमावस्या को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा के दौरान एक सीध में होते हैं, जिससे सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और दीर्घ ज्वार आता है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। तो कारण है इसका, गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। अब प्रश्न है, मध्य
नहीं सॉरी मुख्य मत क्षेत्र वहां पर पाए जाते हैं जहां सूर्य और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां मछलियां बहुत अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि यहां प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का मुख्य भोजन है। तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, प्लैंकटन जो मछलियों का मुख्य भोजन है। सही विकल्प पहचानिए, ज्वारभाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इसमें से हमें दो प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। मीठे जल का संबंध महासागर, सागर, नदियाँ, जैसे आपको पता ही होगा नदी है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको अपने आप कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। अगले अभ्यास पे तुरंत शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।